पीपल एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ सीएस पार्श्वी पारिक एंड आई बिलीव एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टडी पैटर्न। हाउएवर आई एम नॉट अ नाइट आउल, पर जब एग्जाम्स पास आने लगे तो समझ जाना दिन रात एक करने का टाइम आ चुका है। हे दयालु कृपालु भगवान, आपने दया करके हमें यह भोजन दिया है, थोड़ी कृपा और करना। इस भोजन से जो शक्ति मिले वह केवल शुभ संकल्प और शुभ कार्य में लगे। भगवान आपका प्रसाद हम खाते हैं। यूजुअली घर पर बहुत ही नॉर्मल खाना ही बनता है, लेकिन आज मैं उनको बताया था कि मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो इसीलिए आज स्पेशल सैंडविच बनी है। सो लेट्स हैव इट। एट टू नाइन का ब्रेक ले लेने के बाद 9 to 11 हम लोग 2 घंटा पढ़ाई करेंगे। इसमें हम थ्योरी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कर सकते हो। मैं यूजुअली थ्योरी ही प्रेफर करती थी क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल ऑलरेडी दोपहर में हो जाया करता था। ग्यारह बजे के बाद ना थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है, तो आई वॉश माई फेस विद कोल्ड वाटर, उससे थोड़ा फ्रेश फील होता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। इलेवन थर्टी टू 1 o'clock वाला टाइम मैं रिविज़न के लिए अलॉट करती थी। रीज़न बीइंग कि ये वाले टाइम में कुछ नया पढ़ूँ, उससे बेटर है कि जो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करूँ, सो दैट वो तो भी अच्छे से याद हो जाए। सो ये वाला टाइम मैं वही चीज़ को देती थी। अगर आप चाहो और अगर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एनर्जी है वो अगर हाई है, तो आप यहाँ पर लर्निंग भी कर सकते हो। ये वाले टाइम में ना नींद थोड़ी ज़्यादा आने लगती है, तो कॉफ़ी या चाय आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। आज हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। वेलकम टू माय कॉफ़ी मेकिंग ट्यूटोरियल। वन थर्टी टू 3 o'clock वाले स्टडी टाइम में मैं रिविज़न पे फोकस करती हूँ। जो टेस्ट मुझे अभी देनी है उसकी रिविज़न, ये एकदम क्विक रिविज़न होती है। रीज़न बीइंग हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है ये चैप्टर्स को, लेकिन अभी हमें टेस्ट देना है इसीलिए एक बार फटाक से गो थ्रू कर रही हूँ। आपको पता है एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं उसके पहले जो हम 15-20 मिनट्स पढ़ते हैं, बस ये वही वाली रिविज़न है।
और ये रिवीजन करते करते नींद और ज़्यादा आने लग जाती है। आई नो जो नाइट आउल्स होते हैं वो लोग ये टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मी। लेकिन ये अवॉइड करने के लिए मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के लिए। ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ जिसके बीट्स बहुत हाई हो, सो दैट मुझे भी एनर्जेटिक फील हो। जगना मुझे मुश्किल लगता था बहुत, तो मैं हर वो चीज़ ट्राई करती थी जिससे मोमेंटम बना रहे, जिससे वो पढ़ाई की वाइब बनी रहे, जैसे फेस वॉश करना या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना या फिर फॉर एग्जांपल सेंटेड कैंडल चला के पढ़ना। क्योंकि चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आपकी लिमिट्स आप ही को पुश करनी पड़ती है और इसके लिए आप ही को एफर्ट लेने पड़ते हैं, राइट? तो मैं भी बस यही करती थी। वन मंथ पहले मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करने पे फोकस करती थी, चाहे जैसा भी जाए पेपर, यूजुअली एक्चुअली खराब ही जाता था, बट इससे राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, इसके साथ साथ ना कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता था। गाइस, ये मेरा रोज़ का स्केड्यूल बिल्कुल भी नहीं था। बस कभी कभी एग्ज़ाम्स के पहले या फिर जब मेरा बैकलॉग रह जाता था या मैंने अगर दिन में नहीं पढ़ा तो फिर मैं रात में पढ़ती थी। और क्या कल पढ़ना है, कितने बजे उठना है, वो सब चीज़ों की भी प्लानिंग मैं सोने से पहले ही कर लेती थी, जैसे आपको भी पता होगा। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे व्लॉग से इंस्पायर होकर और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपका फ़ोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, मुझे आपके स्टोरी में ज़रूर टैग करना, मैं पक्का से रिपोस्ट करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है parshvi_parekh_. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आउट जाओ।